गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे होंगे, सभी अपनी परीक्षाओं में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, यदि आप हमारे दर्शक हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपसे ये भी आग्रह है कि इससे टॉपिक वाइज, एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो बहुत सारे अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर, आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, आपको परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत कुछ परीक्षाओं में इन वीडियोज से मिलने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पर हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंटायरली अंडर रेन फेड कंडीशन इज नाउन एज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इट मे बी क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप। मीन्स ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप एंटायरली अंडर रेन फेड कंडीशंस, मीन्स वर्षा आधारित खेती जिसमें होती है, मीन्स जहाँ की क्रॉप टोटल वर्षा पर आधारित होती है, उन्हें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये जो डेफिनेशन है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एसआर रेडी के द्वारा दी गई है। इट मे बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, इसे तीन ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है, थ्री ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग। अभी हम चर्चा करें ड्राई फार्मिंग मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। मीन्स जहाँ इसे इस तरह से वर्गीकृत किया गया, मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप, जहाँ हम कल्टिवेशन, वहाँ जहाँ कल्टिवेशन का क्रॉप करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप्स का, एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होती है, उसे हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। मीन्स इसमें क्या है, एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होती है, उसे हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। मीन्स द फेल्योर ऑफ क्रॉप ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड
during crop period is common, most common. Means यहाँ जो सूखे के कारण मुख्यतः जो फसल हैं वो सूखे के कारण फेल्योर हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ये प्रॉब्लम इसमें रहती है ड्राई फार्मिंग में. ड्राई फार्मिंग में क्रॉप फेल्योर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है इन एरियाज की. मॉइस्चर स्ट्रेस, मॉइस्चर की कमी रहती है, मॉइस्चर कमी होता है इस एरियाज में. ये हम बात करें सेकेंडेज ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, मींस द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज more than 750 mm and less than 1150 mm. means यहाँ इसमें जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप वेयर द एनुअल रेनफॉल इज 750 mm एंड लेस देन 1150 mm. मीन्स जहाँ पर जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 750 से अधिक और 1150 से कम होती है, उस क्षेत्र को हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं. जहाँ पर उस क्षेत्र में इसमें हायर इवेपोट्रांसपायरेशन होता है. इवेपोट्रांसपायरेशन मीन्स जो वाटर है जमीन से वो थ्रू द इवेपोरेशन के द्वारा जो वाटर है जमीन से बाष्प बनकर आसमान में जाता है, उसे हम इवेपोट्रांसपायरेशन कहते हैं. चाहे वो प्लांट्स के द्वारा है, किसी भी माध्यम से, डिफरेंट माध्यम से जाता हो, सॉइल से जो है वाटर मीन्स जो वाटर है सॉइल से वो एनवायरमेंट में जाता है, उसे हम इवेपोट्रांसपायरेशन कहते हैं. ये रेट हायर होता है इस एरियाज में, इसीलिए मॉइस्चर की स्ट्रेस आप कह सकते हो, मॉइस्चर स्ट्रेस देखा जाता है. मॉइस्चर स्ट्रेस का मेजर रीज़न हायर इवेपोट्रांसपायरेशन है. और मीन्स द ट्रांसपायरेशन, जो इवेपोट्रांसपायरेशन होता है, इसका 20-35% ही एनुअल रेनफॉल होती है ऐसी एरियाज में. 20-35% ही एनुअल रेनफॉल होती है जो इवेपोट्रांसपायरेशन होता है, उसके 20-35% ही रेनफॉल होती है. इसे हम ये जो है एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज इसमें आती हैं. अभी हम थर्ड इज रेन फेड फार्मिंग. रेन फेड फार्मिंग
रेन फेड फार्मिंग क्या होती है? द क्रॉप्स मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर द एनुअल रेनफॉल एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm. मीन्स रेनफेड फार्मिंग क्या होती है? मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स वेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm. मीन्स हम ऐसे क्षेत्रों में फसल को उगाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है, उसे हम रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। अगर हम बात करें ड्रेनेज इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, ड्रेनेज इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन दीज एरियाज। मीन्स इसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम रहती है, इन एरिया में वार्षिक वर्षा अधिक होती है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम रहती है। नो चांस क्रॉप फेल्योर ड्यू टू प्रोलॉग्ड ड्राई स्पेल। मीन्स सूखे के कारण फसल नष्ट होने के चांस इसमें बहुत कम रहते हैं, ऐसी है ये पूर्णतया बरसात पर आधारित होती है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये टोटल मोस्ट कॉमन 80% जो है, सॉरी 51% एरियाज कम्स अंडर रेनफेड फार्मिंग्स के अंतर्गत, इसमें 51% एरिया आता है। और टोटल फूड प्रोडक्शन में 40% इसका शेयर रहता है रेनफेड फार्मिंग का। तो रेनफेड फार्मिंग मीन्स ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है? द कल्टीवेशन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन क्रॉप एंटायरली अंडर द रेन फेड कंडीशंस। मीन्स जो वर्षा आधारित फसल उगाते हैं इज नाउन एज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इट मे बी क्लासीफाइड इन थ्री ग्रुप्स, इसे तीन ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया गया है। नंबर वन ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होती है? मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप वेयर द एनुअल रेनफॉल इज 750 mm। ड्राई फार्मिंग में क्या होता है, हम ऐसी एरियाज में कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का जहाँ 750 से कम एनुअल रेनफॉल होती है, उसे हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। और इसमें फेल्योर ऑफ क्रॉप प्रोलॉन्ग ड्यू टू द ड्राई स्पेल, मीन्स सूखे के कारण पानी या मॉइस्चर के स्ट्रेस से फसल फेल्योर होने के मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यहाँ रहती हैं। ये हम बात करें, ये हुआ ड्राई फार्मिंग। इसके बाद सेकेंड इज ड्राई लैंड फार्मिंग, मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप वेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 एंड लेस देन 1150, जहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 1150 mm से कम और 750 mm से अधिक होती है, 750 mm से अधिक और 1150 mm से कम होती है, उसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। इसमें हायर एवेपोट्रांसपिरेशन होता है, मीन्स जो सॉइल से जो वाटर है एवेपोरेट बहुत ज़्यादा होता है आसमान में, आसमान के लिए बहुत ज़्यादा एवेपोरेट होता है। मॉइस्चर स्ट्रेस इसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 20-35% ही एवेपोट्रांसपिरेशन होता है, उसके 20-35% ही रेनफॉल होती है। ये एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज आती हैं इसमें। दैट इज अगर हम बात करें तो राजस्थान कह सकते हो, इसमें
राजस्थान, और ये हम बात करें ड्राई फार्मिंग में, सॉरी रेनफेड फार्मिंग में। रेनफेड फार्मिंग क्या होती है? मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स वेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150, मीन्स जहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक हो, उसे हम रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं। ये पूर्णतया वर्षा पर आधारित होती है। ड्रेनेज की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है इन एरियाज में। नो चांस ऑफ क्रॉप फेल्योर, क्रॉप फेल्योर मीन्स सूखे के कारण फसल नष्ट होने के चांस बहुत ही कम है, कोई चांस नहीं होते हैं। 51% एरिया कम्स अंडर द रेनफेड फार्मिंग, मीन्स बरसात पर आधारित ही 50% एरिया ऐसी है, 51% एरिया ऐसी है जो रेनफॉल पर या बरसात पर आधारित है। और टोटल फूड प्रोडक्शन में इसका 40% ऐसी एरियाज का टोटल फूड प्रोडक्शन में शेयर है। ये ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड एरिया रीजन इसमें आते हैं। ये अगर हम बात करें रीजन की, तो इसमें ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन इसमें आते हैं। स्पेसिफाई करें तो बिहार इसमें आ जाता है। अब हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन एशिया एंड पैसिफिक, इसके अकॉर्डिंग दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दो क्लास में डिवाइड किया है। एक है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन एशिया एंड पैसिफिक, इसके अकॉर्डिंग दो वर्गों में क्लासिफाई किया है। ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग क्या है? इनके अकॉर्डिंग वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 800 mm, मीन्स जहाँ एनुअल रेनफॉल जो है 800 mm से कम होती है, उसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। वेयर द एनुअल रेनफॉल मोर देन 800 mm, जहाँ एनुअल रेनफॉल 800 mm से अधिक होगी, उसे हम रेनफेड फार्मिंग बोलेंगे। अगर हम बात करें ड्राई लैंड फार्मिंग में, यहाँ जो क्रॉप्स है, यहाँ मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, मॉइस्चर की कमी होती है और यहाँ एनएफ होता है। यहाँ क्रॉप्स जो होती हैं इन एरियाज में, क्रॉप्स लेस देन 200 डेज की क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं जिनका ड्यूरेशन लेस देन 200 डेज रहेगा, मतलब 200 दिन से कम अवधि वाली फसल उगाते हैं। और इन एरियाज में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं मोर देन 200 डेज, इसमें एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज आ जाते हैं, इसमें ह्यूमिड एंड रेनफेड में ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड आ जाएंगे। की बात करें तो इसमें सिंगल और इंटरक्रॉपिंग होती है,
इन एरियाज में, और रेन फेड में इंटरक्रॉपिंग एंड डबल क्रॉपिंग होती है। इरोजन की बात करें तो इसमें विंड एंड वाटर इरोजन होता है, रेन फेड में ओनली वाटर इरोजन होता है। इरोजन मीन्स मूवमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये होता है इरोजन। तो इसमें जो हम बात करें, अभी हमने अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एंड इकोनॉमिक सर्वे के एशिया एंड पैसिफिक, इसके अकॉर्डिंग जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ऐसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दो क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास वन इज रेन फेड फार्मिंग और सेकेंड इज सॉरी क्लास ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेन फेड फार्मिंग। अब अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग में एनुअल रेनफॉल जो वार्षिक वर्षा होती है 800 mm से कम होती है, उसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग्स के अंतर्गत आता है। और ड्राई लैंड फार्मिंग में मॉइस्चर स्ट्रेस मीन्स मॉइस्चर की कमी, सॉइल्स में मॉइस्चर की कमी पाई जाती है। और ड्राई लैंड फार्मिंग में क्रॉप्स जो है ऐसी क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसका जो ड्यूरेशन है 200 दिन से कम हो, 200 डेज से कम वाला हो, ऐसी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इसमें आते हैं जिस पर हम भी चर्चा करेंगे। इसमें सिंगल और इंटर क्रॉपिंग अपनाई जाती है ड्राई लैंड फार्मिंग में, और इसमें विंड और वाटर दोनों इरोजन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें रेन फेड फार्मिंग की, तो वेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 800 mm, जहां औसतन वार्षिक वर्षा 800 mm से अधिक होती है, उसे हम रेन फेड फार्मिंग के अंतर्गत आता है वो क्षेत्र। मॉइस्चर इसमें एनफ होता है, मॉइस्चर पर्याप्त रहता है। क्रॉप जो है, क्रॉप ग्रोइंग पीरियड जो रखते हैं वो 200 डेज से अधिक रखते हैं इसमें रेन फेड फार्मिंग वाले एरियाज में। ये ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड एरियाज इसमें आते हैं। क्रॉप्स इसमें इंटर या डबल क्रॉपिंग सिस्टम इसमें अपनाया जाता है, और वाटर इरोजन इसमें देखने को मिलता है। मीन्स वाटर के द्वारा सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है कटकर, वाटर इरोजन मुख्यतः देखने को इसमें मिलता है। CERT एन सी ई आर टी के अकॉर्डिंग इसे अगर हम बात करें तो इसे 3 ग्रुप्स में जो डिवाइड किया है वह है एरिड कंडीशन, और सेमी एरिड कंडीशन और ड्राई सब ह्यूमिड कंडीशन। तो शायद इन अकॉर्डिंग टू NCERT इन्हें इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब एरिड कंडीशन क्या होती है, एरिड रीजन क्या है, एरिड में अगर हम बात करें पहले एरियाज की, अगर हम डिवाइड करें एरिया वाइज, तो टोटल जो इंडियाज एरिया, इंडिया का जो एरिया है, टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है, वह एरिया की अगर हम बात करें 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से अगर हम एरिया की बात करें तो 51 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिड कंडीशन में आता है। और अगर हम बात करें सेमी एरिड की तो इसमें 122 मिलियन हेक्टेयर एरिया सेमी एरिड में आता है। और अगर हम एरिया की बात करें तो ड्राई सब ह्यूमिड में 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया आता है।
ये एरिया जो है इसमें आते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू वार्षिक वर्षा की बात करें तो इसमें जो एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा है औसतन एरिड रीजन में, एरिड कंडीशन में लेस देन 300 mm होती है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 300 to 750 mm होती है सेमी एरिड में, और ड्राई सब ह्यूमिड में अगर हम बात करें तो 750 to 1150 mm होती है। ये अकॉर्डिंग टू NCERT डिवाइड किया गया है। तो ये जो रीजन है एरिड रीजन, इसमें डाटा जो ध्यान रखने का है, क्षेत्रफल जो आता है 51 मिलियन हेक्टेयर आता है, और सेमी एरिड में 122 मिलियन हेक्टेयर आता है, और ड्राई सब ह्यूमिड में 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया ड्राई सब ह्यूमिड में आता है। तो जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, उन पर अगर हम चर्चा करें, चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो इसमें एक तो स्मॉल फार्मर्स मीन्स पुअर रिसोर्स स्मॉल फार्मर्स, ग्लोबलाइजेशन, हम ये जो एरियाज होती हैं इनमें टोटल जो रेनफॉल आधारित वर्षा आधारित कृषि होती है, लेकिन अब जो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा अनियमित वर्षा या इस तरह की प्रॉब्लम्स इन क्षेत्रों में आ रही हैं, इन पर चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जो जो इनके इम्पोर्टेंट होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आप सब ज़रूर पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।